हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वन प्लस के वायरलेस बुलेट 2 के मैग्नेटिक स्विच के बारे में। तो ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी वायर मैग्नेटिक स्विच के लिए, कौन कौन सी वायर स्पीकर के लिए। तो दोस्तों, अक्सर आपको देखने को ही मिलेगा कि मैंने जो है जेड पर भी बनाया हुआ है, रियलमी के मैग्नेटिक स्विच पर भी बनाया हुआ, उसमें जो है तीन ही वायर होती है। दोस्तों, स्विच की जो है आपको अभी तक तो तीन ही वायर होती है मैग्नेटिक स्विच की। आप सैमसंग में ले लीजिए, रियलमी भी ले लीजिए, या बुलेट वायरलेस जेड भी ले लीजिए, तो आपको मैग्नेटिक स्विच की वजह वायर है तीन ही मिलेगी। और जो वायर के कलर है दोस्तों, हर मॉडल और ब्रांड में अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ग्रीन और जो रेड गोल्डन है, ये स्पीकर के लिए, ध्यान रखिएगा ग्रीन और रेड गोल्डन, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैग्नेटिक स्विच की जो वायर है वो है ये गोल्डन, गोल्डन, रेड और ब्लू। ध्यान रखिएगा वायरलेस बुलेट 2 में जो है रेड, गोल्डन एंड ब्लू जो वायर है वो मैग्नेटिक स्विच की है। और देख सकते हैं, ये है इसका मैग्नेटिक स्विच, ये इसका मैग्नेटिक स्विच है। और इसमें भी तीन वायर जो पीसीबी पे लगी हुई हैं, तो इन वायर की पोजीशंस आप देख लीजिए। मैंने इस पर ग्लू लगा दिया है, तो इसकी वजह से नीचे का आपको नहीं दिखा सकता। तो ये है बीच में आपकी जो है ये वायर जुड़ी हुई है, ब्लू वायर, गोल्डन वायर एंड रेड वायर। ये देख लीजिए, ये पोजीशन है। अगर आपकी वायर यहाँ से टूट जाती है तो आपके तीन पॉइंट एक लाइन में है, तो ऊपर आप रेड वायर जोड़ दीजिए, बीच में ब्लू वायर और फिर गोल्डन वायर, देख सकते हैं। और ये जो स्विच है दोस्तों, सिर्फ जैसे मैग्नेट में जैसे दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये सिर्फ एक पोल से काम करता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है एक पोल से। तो अगर आपको इसको ऑन करना है बिना इस ईयरबड को ऑफ करना है बिना इस ईयरबड को चिपकाए, तो आप इस पर मैग्नेट का कोई एक पोल जो है, जो हिस्सा चिपक रहा है उसकी तरफ से लगा देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। चलिए, तो इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी, अगर मान लीजिए कि ये ख़राब हो जाता है या फिर आपके निकालते हुए टूट जाता है, तो इसे बाईपास कैसे करते हैं। तो इसमें जो वायर है आप देख सकते हैं, ब्लू वायर एंड गोल्डन वायर। तो ये ब्लू वायर जो है HL की है, यानी ये स्विच ऑन ऑफ के लिए ही वायर ये बनाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त ये ऑन है ये स्विच, और इसको स्विच ऑफ करने के लिए हमें जो है स्विच ऑफ करने के लिए हमें इसे ऐसे चिपकाना होगा। ऑफ हो जाता है, अब इसे छोड़ते ही ऑन हो जा रहा है। दोस्तों, ये है इसके वायरिंग की डिटेल, जो है आपको कैसे स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के लिए गोल्डन और ब्लू वायर को आपको चिपका के रखना होगा, तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। यानी इसकी जगह आप एक स्विच लगा देंगे, तो ऑन ऑफ स्विच लगा देंगे, तो ऑफ करने के लिए जो है आपको इसको चिपकाना पड़ेगा। तो आप शॉर्ट कराएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और रिलीज करते ही आपका ऑन हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए, अब मैग्नेटिक स्विच को इसमें जोड़ते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये जो है एक ही पोल से काम करता है। देखिए दोस्तों, ये जो है अभी स्विच ऑन है, और अब जो है आप जो है चाहे मेटल लगा लीजिए, चाहे कुछ लगा लीजिए, ये स्विच ऑफ नहीं होगा तब तक कि जब तक कि ये ईयरबड इसमें नहीं चिपकता है। स्विच ऑफ हो गया, देखिए। और अगर अब मैं मैग्नेट की बात करूं, तो मैग्नेट भी देखिए, अगर मैं इस तरफ से लगाता हूं तब भी ये स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। और इसे स्विच ऑफ करने के लिए मुझे इस तरफ से इसको लगाना होगा, ये देखिए। लगता है दोस्तों थोड़ा सा पावरफुल मैग्नेट चाहिए होगा हमें, इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसे जो है वर्क करने के लिए आपको एक पावरफुल मैग्नेट चाहिए होगा, और इसका जो मैग्नेट का जो एक पोल है जिस तरफ से ये स्विच ऑफ और ऑन होता है,
और एक पोल जो है अच्छी तरीके से जो ट्रांजिस्टर वाला एरिया आप देख रहे हैं उसके ऊपर चिपका होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे स्विच ऑफ हो गया ये, अब वहाँ से हिल रहा है तो थोड़ा सा ये ऑन हो जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो अच्छी तरह से उस पर चिपका होना चाहिए तभी स्विच ऑफ होगा, और हटाते ही जो है स्विच ऑन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है इसमें आपको पता लग गया होगा मैग्नेटिक स्विच के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।